देख भाई, मेरे तो सब साले निकम्मे हैं, एक तू ही मेरा है। हाँ, जिंदगी भर साथ देना। अरे अरे भगवान, बड़ी नसीब वाली हो और बड़ी चालाक भी हो जो ये झमेला मेरे सर पे छोड़ के चली गई। बाबू चाय। उठ गए तेरे चिड़ियाघर के सारे जानवर, उठ गए। बाबू उठो। फिर शुरू हो गए बाबू नाश्ता। लाताऊ बाबू मेरा दूध। लाताऊ बाबू मेरा टोस्ट। लाताऊ बाबू मेरा गर्म पानी। करता हूँ बाबू मेरे कपड़े। नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे मैं पागल हूँ। बाबू 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 हे बाबू, बाबू कहाँ जाता है भाई, कहाँ जा? अरे मेरा सर पागल हो गया। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। 10-10 आदमी का काम तो मुझसे अकेले कराते हो और पगार मुझे एक आदमी की भी नहीं देते हो। अरे बाबूजी पाए लगे, अपना ख्याल रखना। अरे निकम्मो, बाबू गया, अब खुद ही अपना अपना काम करना। अजी सुनो, उठो ना। अरे बाबू नौकरी छोड़कर चला गया, उठो। क्या बाबू नौकरी छोड़कर चला गया? हाँ। आजा सुनिए, अजी उठिए, बाबू नौकरी छोड़कर भाग गया। क्या मीना, मेरी चाय कहाँ है? मीना मुझे ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े जरा प्रेस कर दो। मीना मेरे नहाने का पानी जल्दी गर्म करो प्लीज। मीना मेरे नाश्ते का क्या हुआ? बाबू तो चला गया, अब ये बिन माँ बाप की बच्ची की जान के पीछे पड़ जाएंगे। ये बीवियों के गुलाम, अपनी बीवियों से नहीं कहेंगे कुछ काम करने के लिए। दादाजी काम करने में काहे की चोरी, और फिर मेरे होते हुए चाची काम करे, ये मुझे शोभा नहीं देता। और फिर मैं सबसे छोटी हूँ ना। तो लक्ष्मी की बेटी भी छोटी है, वो कमीनी काम क्यों नहीं करती है? दादाजी छोड़ दीजिए ये सब, मुझे काम करना अच्छा लगता है। ये लीजिए चाय पीजिए। जा पहले उनको जाकर पिला, बाद में पीता हूँ। दादाजी अगर आप पहले चाय नहीं पियेंगे तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये लीजिए। अब मुस्कुराइए। That's like a good boy. चाय गरम। क्या हो रहा है? एक नौकर नहीं टिकता इस घर में। अब कैसे टिकेगा, इतना बड़ा घर है, कहाँ से टिकेगा नौकर? अरे तो दो नौकर रख लो ना। पगार कौन देगा बाबूजी, और कौन? अरे इतनी सारी दौलत पर सांप बनकर कुंडली मार के बैठे क्या कर रही है? दो नौकर की पगार नहीं दे सकते हैं क्या? बाबूजी का तो यही कहना है भैया, हमने हमारा बाप होने का फर्ज निभा दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, शादी करवा दी, घर रहने को दे दिया, अब खुद कमाओ और खुद निभाओ। गरम गरम चाय पी लो। गुड मॉर्निंग बड़े चाचा। गुड मॉर्निंग बड़ी चाची। ये लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। चाची जी अभी तक डिंपल नहीं उठी? अरे उसे मत उठाना, रात को 2 बजे आई है डिस्को से। अच्छा, और सुन जब वो उठ जाए ना तो उसके लिए गरम गरम दूध ले आना। बाय बाय। ये रात को 2 बजे डिस्को से आना तुम्हें ठीक लगता है? बिल्कुल। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? ओफ, आप तो बात समझने की कोशिश नहीं करते। अरे अगर हम अलग जाकर रहेंगे तो कम से कम एक नौकर तो रख सकेंगे, फिर हम लोग ही कितने हैं, हम मियां बीवी एक बच्चा, नौकर जो है वो पैसे भी कम लेगा। अरे अकल की दुश्मन, अगर हम यहाँ से चले गए तो बाबूजी ये बंगला बड़े भैया के नाम कर देंगे, और तुमको मालूम है कि आज की तारीख में इस बंगले की कीमत क्या है? चाय गरम, चाय गरम। गुड मॉर्निंग चाचा। गुड मॉर्निंग चाची। मॉर्निंग। मीना मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। जरूर। चाची जी रिंकू कहाँ है, उसे स्कूल जाना है। वो तो कब से तैयार होकर गया। अच्छा। किस बेसुरे को पैदा करके चल बसी, मुंह भी नहीं धोया होगा और सुर छेड़ना शुरू कर दिया, बेसुरा साला। चाचा जी, चाचा जी। क्या है? आपकी वजह से मुझे मेरा स्कूल मिस करना पड़ेगा। वो क्यों भला? अरे आपकी मुझे धुन जो पास करनी है, और अब तक आपकी एक भी धुन तैयार नहीं हुई। क्या करूं बेटे, सारी नई पुरानी कैसेट सुन ली है, गाना नहीं छोड़ा, लेकिन इन कमबक म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई ऐसी धुन ही नहीं छोड़ी जो मैं कॉपी कर सकूं, लेकिन फिर भी यू नो इट्स डिफिकल्ट। एक मिनट, क्या गा रहा था तू? क्या गा रहा था? अरे चाचा जी मैं गा नहीं रहा था, मैं पहाड़े याद कर रहा था। हाँ जो भी याद कर रहा था, याद कर, बाबुलंदी आवाज याद कर।
दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीन छः, दो बस 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 दा 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 मिल गई, मिल गई धुन, मिल गई। अरे वाह मेरे राजा, धुन मिल गई। धुन बनाना कोई आसान काम थोड़ी है छोटे चाचा। बस वो तो है, लेकिन ये बच्चा क्या जाने बेचारा है। बिल्कुल, मैं तो रोज देखती हूँ कितनी मेहनत करते हैं आप। हाँ सो तो है, पहले इंग्लिश धुनों को सुनो, करेक्ट, फिर उनकी चोरी करके उनको हिंदी धुनों में ढालो। मजाक थोड़ी है पप्पी चाचा। तू पप्पी चाचा का मजाक उड़ा रही है ना, तू पप्पी चाचा का मजाक उड़ा रही, क्यों रुक भाग कर रही है? बापू क्या हुआ, क्या हुआ? अरे शन्नो रोती रहेगी, कुछ बोलेगी भी। अरे इतनी बेसुरी तान क्यों लगा रही है, बहना बोल भी तो। क्या बताऊं बापू, मैंने सुनील का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या बात करती है, क्या बात करती है तू? ये शादी है, शादी कोई लेवल लेसन का कमरा नहीं जो छोड़ कर चली आई यहाँ। करती भी क्या बापू, आपको पता है वो सुनील सुबह सवेरे मुझे उठाता था, चाय बनाओ, लाशा तैयार करो, ये करो वो करो। मैंने उससे कह दिया अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की, नौकरानी ले आता। ओफो, एक तो पहले ही नौकर भाग गया, ऊपर से ये आ गई। मेरा मतलब ये है कि भाई इस तरह से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। ए पायो, मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ, अपने बाप के घर में आई हूँ, तुझ पर बोझ बनने थोड़ी आई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बुआ जी आइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। नाश्ता खिला, खाना खिला, बहुत भूख लगी है। खाएंगी आप? जो चाहिए मैं आपको खिलाऊंगी, बताइए। कुछ भी बोल देती हो तुम। हाँ ये सब देखकर तो भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मीना की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। कॉल, साढ़े सात बज गए, अभी तक सोया तू? क्या डैड, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। अच्छा आप सपना भी देख रहे थे, क्या देख रहे थे? मैं खूबसूरत सी जगह पर अकेला तन्हा खड़ा था, आसपास तंग करने वाला कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थे। ये घटिया सपना देखता तभी इतनी देर तक सोता रहता है, तैयार होकर जल्दी नीचे आ जा वरना 8 बजे के बाद नाश्ता भी नहीं मिलेगा। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को घड़ी बनाई? गुड मॉर्निंग डैड। हाला आप नहाए नहीं? सुबह आपने एक बार नहला दिया ना, अब दोबारा नहा के पानी और टाइम क्यों वेस्ट करूं? अच्छा? नाश्ते का वक्त खत्म हो गया। डैड हो सकता है शायद घड़ी आ गए हो। मैसन ये भी तो हो सकता है कि घड़ी पीछे हो। उठो पापा, तुमसे ठीक 9 बजे ऑफिस में मुलाकात हो जानी चाहिए। डैड, डैड, डैड। अरे शर्मा जी, शर्मा जी रेडी है कि नहीं आप? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, ओ माय गॉड कहीं लेट ना हो जाऊं मैं। ईट लाए कि नहीं आप? हाँ हाँ भाई दीजिए 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 सर ईंट। और आप जल्दी निकलिए, आपको मुझसे पहले पहुंचना है। चलिए 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 चलिए। क्या ये रोज रोज का नाटक है? डैड भी इतने कड़क है, लगता है कांजी करके दुनिया में आए थे। Thank you.
ये फाइल शाम तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए, हाँ? क्या? जी. शाम तक होनी चाहिए मेरे टेबल पे. ऑलराइट. वेरी गुड मॉर्निंग सर. आई वांट टाइम. गुड मॉर्निंग सर. हेलो सर. व्हाट? ओ सर जी. व्हाट? सर जी अंदर का माल बाहर आ रहा है. टॉवल बाहर निकला हुआ है. मैंने देख लिया. ये देखिए टॉवल बाहर निकला. ये कैसे रह गया अंदर? शर्मा जी क्या कर रहे हो? शर्मा जी भुगड़ी खेल रहे हो आप? शर्मा जी क्या? गुड मॉर्निंग निकाल दो सर. खुद निकलो. गेट आउट. गुड मॉर्निंग. टॉवल है सर. टॉवल. गुड मॉर्निंग. कैसे रह गया अंदर? गुड मॉर्निंग सर. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello, buddy. Hi. Hello. अरे बैठो यार. एक तकिया लेके आना यार. जी सर. ये लड़की देखना तू? अरे वाह सर, वेरी प्रिटी. सर का स्टेनो खूबसूरत और जवान हो तो पूरे स्टाफ का दिल लगा रहता है सर. उल्लू के पट्टे, इस लड़की को मैंने स्टेनो के लिए नहीं, अपनी बहू के लिए चुना है. तो फिर आपका मन लगा रहेगा सर, है ना सर? किसकी बेटी है सर? वो मालूम नहीं है. पंडित जी तस्वीरें देखे, अभी पता चलेगा. चल एक काम कर. जी. ये तस्वीर फाइल के साथ राज को देना और कहना मैंने भेजी है. जी दे दूंगा. चल जाना. जाना भी. वो खोल के खड़ा हुआ है उल्लू का पट्टा. गुड मॉर्निंग सर. क्या सर, ये फाइल बड़े सर ने भेजी और कहा कि आप देखकर फोन पे बात कर लें. रख दो. आप बात कर लेना सर. कर लूंगा. हाय डैड. क्यों पुत्र, फाइल देखी? डैड जो सामने फाइल पड़ी है पहले वो तो देख लूं. इडियट, हाथ की फाइल नीचे रख. जो मैंने फाइल भेजी है वो देख. क्यों, ऐसी क्या बात है इस फाइल में? अरे तेरी शादी की फाइल है, उसमें एक लड़की की तस्वीर है, उसको देख, उसे तेरी शादी होने वाली है. डैड, इस लड़की के साथ? हाँ, कैसी लगी? डैड मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा. मैं तुझसे तेरी राय नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझको बता रहा हूँ कि तेरी शादी सिर्फ इसी लड़की से होगी, समझ गया? दैट्स ऑल. डैड मैं शादी करूंगा तो अपनी मनपसंद की लड़की से, ये मेरी जिंदगी का सवाल है. जी. तो तेरा क्या मतलब है, मैं तेरा दुश्मन हूँ? दोस्तों वाली हरकत नहीं है आपकी. क्या मतलब? तू देख इस लड़की को, क्या खराबी है इसमें? बड़ी खूबसूरत है सर. अच्छी लगी आपको? जी. आप कर लीजिए. अरे तू देख ना क्या खराबी है इसमें. I don't like her. She's so rat. तू मुझे जवाब देता उल्लू का पट्टा? छोड़ मेरा. अच्छी बात, मैं भी कल पंडित को बुलाता हूँ, इसकी शादी पक्की कराता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं करता. तुम्हें हाथ छोड़ना यार. कब से छोड़ दिया सर? देखता हूँ कैसे नहीं करता. दादाजी, ओ मेरे प्यारे दादाजी, ये देखिए, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई. अरे वाह, मुझे अपनी बेटी पे पूरा गर्व है. दादाजी इतने अच्छे मार्क्स मिलने पर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे पेरिस जाने का एक फ्री टिकट मिला. अच्छा? है मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए. हा? मैं जाऊँ? सिर्फ 25 दिनों की तो बात है दादाजी, प्लीज मुझे जाने दीजिए. कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई है, घर गृहस्थी के काम सीखो, ससुराल में डिग्री काम नहीं आएगी. ठीक ही कह रही है दीदी. अरे परदेश में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो खानदान को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. दादाजी 800 स्टूडेंट्स में से ये चांस सिर्फ मुझे मिला है, मुझे जाने दीजिए दादाजी. अरे ठीक है, उदास मत हो, चली जाना. ओके थैंक यू. अरे बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जवान अकेली लड़की को क्या परदेश ऐसे ही भेज देंगे? ये अकेली कहाँ जाएगी? नहीं शन्नो जाएगी तेरे साथ. थैंक यू दादाजी. गुड मॉर्निंग सर. सर आप ऑफिस नहीं गए? बड़े सर आपकी वेट कर रहे हैं वहाँ, मुझे भेजा आपको लेकर आने के लिए यहाँ. उनको बोलिए आप फोन करके कि मैं ऑफिस एक ही शर्त पर आने को तैयार हूँ,
वो मुझसे शादी का जिक्र भी नहीं करेंगे। मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी के करूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? बुरा मत मानिए सर। देखिए, जब इस घर में आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते सर जी आप, तो आप अपनी मर्जी से शादी कैसे करेंगे? शर्मा जी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। गुस्सा आ भी गया तो बड़े सर का क्या उखाड़ लेंगे आप? घर छोड़ के भाग जाएंगे। कैसी बात करते हैं शर्मा जी आप? भला मैं इस घर को छोड़ के कभी भाग सकता हूँ? लेकिन मैं तो बैठ चुका हूँ। लेकिन ये टैक्सी मैंने रोकी थी पहले। रोकी थी ना, खरीदी थोड़ी थी। एक्सक्यूज मी भाई जी, आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर दिल कर रहा है कि ऐसी 100 टैक्सी आपके सर से वार कर फेंक दो, लेकिन आज नहीं। टैक्सी निकल। अरे मीना, हमारा सामान रोक। टैक्सी रोक। अरे रोक, भाई रोक। अरे रोक। अरे 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 स्टूपिड। चलो चलो। आप समझती नहीं बुआ, वैसे भी चाचिया हमें भेजने को तैयार नहीं थी। अगर उन्हें पता चल गया तो कहेंगी कि एयरपोर्ट जाने से पहले ही सामान चोरी हो गया। वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाएगा। हमारा जाना ही कैंसिल हो जाएगा बुआ। ओ, तो क्या करें? अब इसे एक जोड़े कपड़े में हम पूरा महीना तो नहीं गुजार सकते ना। बुआ जी, वहाँ जाकर 2-4 जोड़े खरीद ही लेंगे और क्या। अगर वो चोर मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं उसकी ऐसी खबर लूं। हाँ थैंक यू। अभी तो बहुत गुस्सा दिखा रही थी और अब थैंक यू बोल रही हो। ऐसा सोना चोर तो किस्मत वालों को मिलता है। मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान लेकर भागने की? अरे शराफत का जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने आपका सामान लौटा, ऊपर से आप टेढ़ी बात कर रही हैं। ओ शट अप, अगर हम एयरपोर्ट नहीं आते तो हमारा सामान कैसे मिलता? हा? मिल गया ना। मिल गया क्या, क्या मतलब? कोई ऐसा क्या क्या तुमने? चल ना, ये आदमी झगड़ा करने लायक नहीं, दोस्ती करने लायक है। हेलो बुआ, हाथ छोड़ो। दोस्ती तो दूर, ये तो दुश्मनी करने के भी लायक नहीं है। चलो बुआ चलो। आप कंपैरेटिवली काफी समझदार लगती हैं। गुड मैन, पागल आदमी। आपने इसे कहीं देखा? मैंने नहीं देखा। डैड, आपने आपने देखी? गौर से देखिए ना, प्लीज प्लीज। आप बैठे ना यार, जल्दी कीजिए ना। इसको कहीं देखा? माफ कीजिए, मैं जरा बिजी हूँ। एक नजर देख लीजिए, हो सकता है देख लिया हो। देखिए, मुझे नहीं मालूम। हो गया? चलो जल्दी चलो। इस लड़की को मैंने कहीं देखा पहले? सर आप उसको छोड़िए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अरे अरे भाई, आप लोगों में से किसी ने इसको देखा है? सर सर सर, ये पब्लिक प्लेस है सर। कहाँ तलाश करूँ मैं, थक गया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट चलते हैं। वो किधर? उधर। चलो भाई साहब, लगता है मैंने दोनों को कहीं देखा है। मुझे क्या करना है? मुझे भी क्या करना है, मुझे तो भागना है। भाई साहब, अगर इसके दांत ठीक हो तो अपने बेटे जैसा नहीं दिखता? सर टोपी ना हो तो बिल्कुल यही है। चल चल जी। पट्टा तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की, हाँ सपनों की दुनिया बसाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते।
बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। मीना, होटल में रिजर्वेशन तो किया है ना? बुआ, रिजर्वेशन कराया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, अभी जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज मीना नाथ, आई हैव अ रिजर्वेशन। यस, डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप? हाँ, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू। यू कैन फिल अप हियर। या श्योर, दिस इज द की फॉर योर रूम। थैंक यू। आप चलिए, मैं फॉर्म भर के आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। अरे बुआ, आते ही सो गई? कम से कम हाथ मुंह तो धो लेती, इतनी थक गई क्या? उफ, मैं भी थक गई हूँ। अच्छा सुनो, मैं जरा नहाने जाती हूँ, आप जरा खाने का ऑर्डर दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए उठ जाइए ना, कम ऑन। बुआ, चलो बुआ के बहाने छुआ तो सही। बुआ, जरा गाउन दे देना, क्विकली। देती हूँ। कहाँ रखा है गाउन इसने? मिल जा, मिल जा। अरे जल्दी लाओ ना। लाए ना। लो। थैंक यू। अरे बुआ, ये क्या फूफा का गाउन उठाकर लाई हो? जो तू होती सायरा बानू, जो तू होती, जो तू होती सायरा बानू, हम भी तो यूसुफ होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। कमरा हमारा, गाउन हमारा, गाल हमारा और हाथ तुम्हारा, बहुत नाइंसाफी है ये। ना ना, क्या नाना लगा रखा है? अपने मिजाज को अपने औकात में रखो, वरना तुम्हारे गुस्से के साथ साथ तुम्हारा बहुत कुछ उतर जाएगा। मीना, तू यहाँ? अरे रास्ते भर तो तू इसकी बुराई करती आई। हाँ। और मुझे उल्लू बनाकर इसके कमरे में घुसाई, कम से कम मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले लिया होता। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है, मैं धोखे से इस गधे के कमरे में आ गई। धोखे से? यू मीन डोंकी? या आई मीन डोंकी। चलो यहाँ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा गाउन है, उतर के जाइए। चेंज करके दे दूंगी। धोखे भी देना? इस्त्री भी करके देंगे। सुनो, हम लोग सामने वाले कमरे में, प्लीज आना, चाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे, मजा आएगा। ओके ओके। वन मिनट, हम यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। तो कहाँ जाएगी? होटलों की कमी नहीं है यहाँ, कहीं भी रह लेंगे। मीना, इस होटल जैसा नजारा और कहाँ मिलेगा? अरे अगर यहाँ रहेंगे तो इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, और मुझे नहीं देखनी। तो तुम्हारी भी शक्ल देखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अरे लेके जाइए इसको, वरना धक्का दुक्का देना पड़ेगा। अरे सॉरी मैम, नो रूम्स मैम। एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी मैम, नो रूम्स। आई एम रियली सॉरी मैम। बुआ जी, मीना देख लिया जिद का नतीजा, कहीं रूम नहीं मिल रहा। मेरी बात मान, वापस वहीं पर चले जाते हैं, नहीं तो इस अनजान शहर में फुटपाथ पर आग काटनी पड़ेगी। ठीक है, आप आई ना कर, चल। छोड़ दीजिए, मैं पकड़ती हूँ। क्या हुआ? हमारा कमरा किसी और को दे दिया है। हा? अब यहाँ कोई कमरा नहीं। ओह गॉड, क्या करें? आप लोगों को मैंने कहीं देखा है क्या? हम वही है जो आपके कमरे में आए थे। हाँ हाँ हाँ, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते? आ गया ना, जले पे नमक छिड़कने। माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, पर आए देश में अपने लोगों की इज्जत करना अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा। खास तौर से महिलाओं की। आइए अपना सामान उठाइए और मेरे कमरे में चलिए। आइए आइए। मैंने कहती थी अच्छा लड़का है, चल चलते। बुआ, न जान न पहचान हम इसे कमरे में कैसे रह सकते हैं? ओहो, जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है, चल हट पीछे। हेलो, आई एम शन्नू, मैं इसकी बुआ हूँ, ये है मीना, मैं राजेश। हो गई जान पहचान, चल। मैं नहीं आ रही। हाँ तो ठीक है, पड़े रहिए यहाँ फुटपाथ पर। आप जैसे ही लोग पराए देश में आकर हमारे देश का नाम खराब करते हैं। How dare you? Yeah, this is true. What do you mean it's true? Yeah. Just get out from here, okay? Okay. तुम्हारा okay, I'm going. Very cool, very cool. Oh, मैं तो अपने देश का नाम बिल्कुल बदनाम नहीं करूंगी। राजेश। कौन? इधर। अच्छा। Yes, मैं तैयार हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे?
आने दो। चलो बाय। बदतमीज। स्टूपिड। थैंक यू। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। बस आपको देख देख के निकल रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये लड़की बचपन से ऐसी है कि बड़ी होने के बाद ऐसी हुई? ओहो है तो हुआ करे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। नहीं नहीं आप तो बहुत ही। थैंक यू, आप चाय पीजिए ना। हाँ सर, अच्छी बनी है। थैंक यू जी। ए! क्या है? अरे गुस्सा थूक दो, ऊपर आ जाओ। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ। पर आदेश है, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगी। मर तो नहीं जाऊंगी ना। इतना गुस्सा, इसकी मम्मी डैडी आने के आपके भैया भाभी इसको डांटती नहीं? वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये छोटी थी ना, उनकी डेथ हो गई। लाके मेरे बगल में सो भी गया। उठ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाऊंगी। I hate you। गरमा गरम चाय ले लो। हाय हाय यार, मार डाला मुझे तो। आओ मुझे यहाँ कौन लाया? जाहिर है इनसे तो आप उठाई नहीं गई होंगी। जैसे ये ट्रे है वैसे ही आप थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोद में उठाने की? समझते क्या हो अपने आप को? बर्दाश्त की भी हद होती है। निकल जाओ यहाँ से। ओके। रिलैक्स। कूल इट बेबी। मीना, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आखिर उस लड़की ने किया क्या है? पड़ी रहती तू सड़क पर, बीमार हो जाती, या गुंडे उठाकर ले जाते तब पता चलता तुझे। सच कहूँ, वो लड़का मुझे पहली नजर में ही अच्छा लगा। मीना, उससे अच्छा लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता। मुझे देख, शादी के बाद जो खुशियां मुझे मिलनी चाहिए थी कहां मिली? बंबई से यहां तक वो लड़का बार बार तुझसे टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने वो लड़का तेरे लिए ही बनाया हो। जा मीना, जाके रोक ले उसे, कहीं वो इतनी दूर ना निकल जाए कि तुझे कभी ना मिल सके। Excuse me, can I have a rose please? Sure. Thank you. Welcome. Hey, I'm sorry. Please. What's your name and where you're from? राज मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ। मेरी बात तो सुनो राज। राज मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, तो मेरी तरह देख ही नहीं रहे हो। I like your nothing very much. Oh, she's a stupid girl. Don't look at her. Just talk to me, okay? राज मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ राज। What would you like to have, huh? Please, Raj. Raj, ये लो। Yeah, take this. A beautiful girl, huh? Raj. Hi, folks. Hey, waiter, come on. This is Gatia. Hi, and baby. This is Hi, guys. A waiter from India. Come on, get up, Tony. Did you like it? Yeah? So, well, what's your problem? What a beautiful face. Thank you. You're so friendly. Come on. Hi.
भाई, यहाँ कितने अनफ्रेंडली लोग हैं, आप लोग कितने फ्रेंडली हैं? या स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव, या 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 या। आई लव यू बेबी। यू आर अलोन। आई एम अलोन। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी हीरो, we'll be right back.
तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन मेरी शादी होगी तो मेरी मर्जी से हे बेटा तो अपने बाप को छोड़ के कहां चला गया तेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना अकेला हो गया हूं कितना अधूरा हो गया हूं लौटा बेटे मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा तेरी कसम खाकर कहता हूं जो मन में है वो कर मैं घर की सारी घड़ियां तोड़ दूंगा दिन भर सो रात भर जाग जो जी में आता है वो कर लंच में डिनर कर डिनर में ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफास्ट में डिनर कर तू जिससे शादी करना चाहता है जहां करना चाहता है कर ले बेटा मगर अपने बाप का इम्तिहान मत ले सर 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 गुड न्यूज़ है सर क्या मेरे बेटे को पता चल गया ये सर छोटे से स्विट्जरलैंड में है अरे वाह ये देखिए सिटी बैंक कार्ड्स के बिल आए हैं सर वहां से स्विट्जरलैंड से आए हैं लेकिन एक बैड न्यूज भी है सर क्या ये पिछले हफ्ते उन्होंने 2500 का खाना खाया सर वहां उल्लू के पट्टे जी इसमें बैड न्यूज क्या है बे मेरा बेटा है 2500 का खाना नहीं खाया कि तू क्या 2500 का खाना खाएगा जी और फिर मेरा बेटा है स्विट्जरलैंड गया है कोई मडा लेने गया अब हम भी जाएंगे अपने बेटे के पीछे और मैं भी जाऊंगा आपके पीछे तू कहां जाएगा बे स्विट्जरलैंड तू आदमी जगह वो बंद कर नहीं होता सर प्रॉब्लम है स्विट्जरलैंड में से आदमी को लेंगे नहीं लेंगे सर बहुत जगह लिया है सर सर वो देखो कहाँ कितनी गोरी मेम मेम के बच्चे हम यहाँ मेम को नहीं मेरे बेटे को ढूंढने आए हैं दोबारा मेम को देखा तो मार मार के मेमना बना दूंगा चल Have you seen this boy? Excuse me. No. Have you seen this boy? He's my son. Have you seen him? No. This boy? This he? No. Sir, वो देखो, वो देखो। क्या है? वो देखो बर्फ का पहाड़। सीधे रहना। क्यों दिल जलाता है? Sorry sir. सर कितनी प्यारी जगह है ना? कितनी प्यारी जगह है। और आप हैट में बड़े चलता है मार खाएगा मेरे हाथ से। चल। और ना बगैर हैट के। सर सर वो देखिए किधर सर हा? कमाल का कुत्ता हम लोग यहाँ मेरे बेटे को तलाश करने आए हैं तेरे बेटे को तलाश करने नहीं आए जी चल कुत्ता दिखा रहा है अभी जीन दी त्योंग ही इज मेन जोन इंदी अरे 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 क्या बताया सर अभी उठाएगा नहीं मुझको जी आप बताइए क्या बताया सर अगर बताया होता तो मैं खंभे से टकराता चलो किसी और खंभे से पूछते हैं जी अबे किसी अंग्रेज से पूछते हैं जी आइए आइए क्या मुसीबत है यार ए स्टॉप इट चलो सर सर वो देखो सर सर वो देखो क्या देखा कुछ नहीं सर मैं बताऊंगा तो फिर आप मारोगे नहीं बताएगा तो और मारूंगा बोल क्या देखा आप मार दो सर अरे मैंने अभी वहां छोटे सर जी को देखा तेरी तो कहा ना सर बताऊं तो मारते हो नहीं बताऊं तो मारते हो सर बताना कहां देखा उसको बोल बोल सर वो जो सामने होटल है ना है? उसके अंदर गए अभी छोटे सर सामने हां ये भी गए अच्छा तो तुम्हारे इतने बड़े घर में एक ही नौकर है नौकर वोकर है नहीं था हाँ पिछले हफ्ते वो भी भाग गया वो भी गया तो मैं आ जाऊं क्या मजाक नहीं कर रहा हूँ जम के सेवा करूंगा वो गिरने की यही जगह मिली थी तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो मीना खाना फिर कभी खा लेंगे चल निकलते यहाँ से चल निकल मीना यहाँ से चल निकल कम ऑन लेट्स मूव यार अरे अरे कुछ मत पूछ कम ऑन लेट्स मूव कम ऑन कहाँ लेके जा रहे हो मुझे अरे 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 ओफो तुमको देखकर वो मेरी भतीजी को लेकर भाग गया अरे तुम्हारी भतीजी की भाड़ में मेरा बेटा भाग गया अरे वाह वो आपका बेटा है हेलो मैं उसकी माँ हूँ तुम्हारी भतीजी हाँ। मेरा बेटा तुम्हारी भतीजी के साथ क्यों भागा जवान लड़का अपने बाप को देखकर लड़की के साथ क्यों भागता क्या मतलब बताओ चलो मेरे साथ कम आओ ना
कम फॉलो मी। अरे चलो ना। नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार ओ मेरे यार। सुना है मैंने सुना है तूने यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती शरारत हो जाती है मेरे यार मेरे यार। शरारत की नहीं जाती शरारत हो जाती है मेरे यार मेरे यार। सुना है मैंने सुना है तूने यही कहते जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है।
मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले, शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। निकलते हैं यहाँ से भी, चल। मैं बड़ी देर से देख रही हूँ तुम किसी से भागते फिर रहे हो, कौन है वो? अरे छोड़ो ना यार, देखो कितनी खूबसूरत जगह है, शादी के बाद हनीमून हम लोग यहीं मनाएंगे। पहले बताओ कौन है वो? कोई नहीं, मेरे डैडी हैं यार। क्या? हाँ। तुम बॉम्बे से भाग के आए हो? हाँ, उन्हीं से तो भाग कर आया हूँ मैं यहाँ पर। अरे वो यहाँ है तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए और मुझे भी मिलवाना चाहिए। अच्छा, उनसे मैं तुमको मिलाऊंगा ना तो हम दोनों को अलग कर देंगे, वो किसी आड़ी तेरी लड़की से शादी कर देंगे मेरी। और ऊपर से इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 7 o'clock गेट अप, 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 9 o'clock ऑफिस। तो क्या हुआ, 7 बजे न उठाऊं तो? 8 बजे नाश्ता न कराऊं तो? 9 बजे ऑफिस न बुलाऊं तो? मीना, मीना। नमस्ते। और तेरी शादी इसी लड़की से कराऊं तो? मीना ये जज्बाती आदमी नहीं है, पक्के बिजनेसमैन है, समझा रहा हूँ मैं, चल निकल ले। मीना निकल यहाँ से। मीना क्या कर रही तू, समझ नहीं रही? मीना, मीना निकल, मीना, मीना निकल, तू जा, तू जा, बहू मेरे साथ रहेगी। बहू? हाँ, ये मेरी बहू है। बोल रहे आप चीटिंग करेंगे, आप बाद में बदल जाएंगे डैड। तेरी जुदाई ने मुझे बदल दिया, अब क्या बदलूंगा बेटा। आजा, आजा ना बेटा। सर वो देखो कितना अच्छा रेस्टोरेंट। चलो अच्छा हुआ, बेटे को ढूंढते ढूंढते बहू भी मिल गई। बहू हुई नहीं, होने वाली बहू हो जाएगी। मुंबई जाकर इसके मम्मी डैडी से मिलूंगा, ये मेरी बहू हो जाएगी। मेरे मम्मी डैडी नहीं है। मेरे डैडी, मेरा मतलब है इसके दादाजी, हमारे घर में सारे फैसले वही करते हैं। उनसे मिल लूंगा। लेकिन दादाजी गुस्से के बहुत गर्म है। ये कोई काम है? इन पे अभी शक है मुझको। अरे दोनों एक जैसे हो जाएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, सर वो देखो, वो देखो, एयर इंडिया का प्लेन। अरे इसके लक्षण तो पहले से जानती थी, मालूम था वहाँ जाकर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अरे तो गुल खिला कर तो आ गई है, कटवा दी ना खानदान की नाक। भाभी क्या हो गया है आप लोगों को, क्यों आग में घासलेट छिड़क रही हैं आप लोग? हाँ हाँ, हम इसके दुश्मन जो हैं। बाबूजी ये सब आपकी जिद का नतीजा है। हाँ? ना ही आप इसे वहाँ भेजते, ना ही ये दिन देखना पड़ता। ओहो, आप लोग तो राई का पहाड़ बना रहे हो। इसने प्यार किया है, कोई पाप थोड़ी क्या? करेक्ट। और मुझे तो वो लड़का खानदानी लगा। आहा, क्या सोनी जोड़ी लग रही थी दोनों की, मैं तो वारी जाऊँ ऐसी जोड़ी पर। और बापू अगर वो हमारा दामाद बन जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो चुप कर। अरे तुझे उसकी निगरानी के लिए वहाँ भेजा था और तू यहाँ आकर उसके इश्क की दास्तान सुना रही है। और तू तू वहाँ पढ़ने गई थी या उसके साथ गुटर घूम करने गई थी? यही बदला दिया तूने हमारे लाड़ प्यार का। दादाजी राजेश बहुत अच्छा लड़का है, एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल लीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं करूंगी। हमारे खानदान में रिश्ते लड़का और लड़की मिलके तय नहीं करते, उसे हम बाद में मिल लेंगे। पहले उससे कहो कि अपने बाप से मिलवाएं। दादाजी तू तो मुझे ऐसे तैयार करा जैसे तेरी नहीं मेरी शादी होने जा रही है। डैड मीना के घर वालों ने आज तक मुझे तो देखा नहीं, आप ही को देखकर मेरी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाएंगे। ये सिर्फ तेरे लिए मैं जा रहा हूँ, वरना शहर में धनराज मल्होत्रा का सिर्फ नाम काफी है। डैड भगवान के लिए ऐसे अकड़ के बात मत कीजिएगा, वहाँ जरा प्यार से झुक के आए। मैं लड़के वाला हूँ, मैं काहे को झुक के बात करूंगा, मैं झुक के बात करने वाला नहीं। अच्छा तो आप झुक के बात नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है तो आप कैसे भागूंगा कि लौट के नहीं? अरे नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, तू इतना जा मैं नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है डैड, फिर तो देखिए ना यू ऑलरेडी लेट। अरे यार ड्राइवर को तो आ जाने दे यार। तो एक दिन गाड़ी आप चला लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे क्या? थोड़ी सी देर से जाऊंगा तो शादी कैंसिल हो जाएगी क्या? गुड मॉर्निंग सर, गाड़ी मैं चलाऊंगा, लाइए चाबी। आप गाड़ी चलाएंगे? आपके साथ जाने से बेहतर आदमी ऑटो रिक्शा में चला जाए, मैं खुद जाता हूँ। अरे फटाफट मूव ऑन कर। अरे आज मत हंस यार, तू जब भी हंसता कुछ बुरा हो जाता है। पर तू मत हंस यार, मत हंस, तू ऊपर से भी मत हंस, तू नीचे से भी मत हंस, तू ओटी मत हिला। उतर, उतर, उतर।
होता बे? क्या बे? तूने मेरे को अंधा बोला? अंधा बोला। अबे अगर मरने का शौक है तो रेलवे लाइन पे जाके मरना, मेरी गाड़ी का के मरने क्यों आया तू? अंधारी बोलू तो क्या बोलू? ये क्या गाड़ी में बैठकर अपने आप को शहर से समझता है? रास्ते पे चलते हुए आदमी दिखाई नहीं देते क्या? अबे रास्ते पे चलने वालों के लिए सरकार ने फुटपाथ बनाई है, क्रॉसिंग करने वालों के लिए क्रॉसिंग बनाई है, ये तू कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए मेरी गाड़ी के आगे क्यों आया? कीड़े मकोड़े किसको बोलता है? अरे तेरे जैसे फटीचर आदमी लोगों की औकात बहुत देखे मैंने। जा जा। फटीचर? हाँ। तूने मुझे फटीचर बोला? ये बुड्ढे को देखो धरती पे बोझ, ये साला मुझको फटीचर बोलता है। तू फटीचर, तेरा खानदान फटीचर। एक पत्थर मारूंगा गाड़ी की रिक्शा बना दूंगा, चल जा। अबे कसम से एक टक्कर मारूंगा ना तो तेरा पूरा खानदान घर में बैठे बैठे मर जाएगा। अबे बुड्ढा तेरी हालत देख कांप रहा है ऐसा पत्ते के जैसा, कब्र में पैर लटका के बैठा, एक मारूंगा तो कफन के गले पड़ जाएगा। अच्छा मैं नेक काम से जा रहा हूँ, तू बच गया, नहीं तो एक मरता तेरी नकली बत्ती सी गिर जाती जमीन के ऊपर। किसकी बत्ती? खड़े रहे, लकड़ी पकड़ने की ताकत नहीं है, इसको लेके जाओ। ए बुड्ढे को पागल खाने में ले जाओ। ए बुड्ढे को पागल बोलता है। अच्छा रुक साले, रुक रुक। देख लूंगा। ए भिखारी अंदर कहां घुसा आ रहा है? ये भिखारियों का घर नहीं है। गेट आउट, गेट आउट। भिखारी होगा तेरा बाप। बाबूजी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरा बेचा मत का बेटे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अपना अपना सामान उठा और निकलो यहाँ से। बाबूजी आपका ये हाल कैसे हुआ? गाड़ी वाले। क्या हुआ भाभी? गाड़ी वाले हा? साले हा? गाड़ी क्या आ जाती है सड़क को हवाई जहाज समझकर उड़ने लगते हैं साले। कीड़े मकोड़े समझते हैं हमको, कमीने साले। अच्छा हुआ आज मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी, नहीं तो साले को गोली मार के मैं डाकू बन जाता। ओहो बाबूजी, इसलिए तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे साथ ले चलिए। साले को इतना म्यूजिकली मारता कि वो भी चुप कर बेसुरे, तू अपना बाजा बजा जा। बाबूजी, बाबूजी आप गुस्सा थूक दीजिए, अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। उस गाड़ी वाले का कुछ नाम नंबर कुछ? नंबर? अरे साले की शक्ल मेरे दिल में बस गई है, उसके तो पूरे खानदान पे मैं कीचड़ उछालूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा साले को, समझ लो तुम्हारा बाप बागी हो गया, नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई साहब, ये आनंद निवास कहाँ है? आनंद निवास वही पागलखाना जिसमें कुछ पागल लोग रहते हैं? नहीं नहीं, मुझे उस आनंद निवास में जाना जहाँ दीनाना जी रहते हैं। वो पागलों का लीडर? आप उन पागलों के घर क्यों चाहते हो? तुम पता बताते हो कि उठाऊं पत्थर में? मेरे बाप का क्या जाता है? वो उधर देखो, वहां से दाएं जाना फिर बाएं जाना, एक घर आएगा बहुत शोर मचेगा, वही उन पागलों का घर है। अरे भाई साहब वहां पे जाते वक्त प्लीज मुझसे जरूर मिलना। जरूर मिलना, मैं तो खुद पागल है। नमस्ते जी। नमस्ते। आने में थोड़ी देर हो गई, हमें आप ही का इंतजार था। आइए ना, मैं विद्यानाथ हूँ, प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मीना का बड़ा चाचा हूँ, और ये मेरे छोटे भाई साहब हैं। जीवन LIC में काम करता हूँ, मीना का छोटा चाचा हूँ। डैडी डैडी हमें भी मिलो। ये इनके बेटे हैं, शरारती रिंकू। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी। नमस्ते। ये मेरे पापी चाचा हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। आपको फिल्में बनाने का शौक तो हो गई है? मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। कमाल है। क्या है? ये हमारे पिताजी हैं। ये? हाँ? ये हाँ जी। बाबूजी। हाँ। देखिए तो कौन आया पिताजी? राजेश के। तू यहाँ तक आ गया? तेरी ये हिम्मत, तू मेरे घर में आ गया? मेन गेट बंद करो, मेन गेट बंद करो, यहाँ से जाने ना पाए। बाबूजी, बाबूजी तुझे जोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक कहाँ है? आप इनको देखकर इतने भड़क क्यों रहे हैं? ये वही गाड़ी वाला है जिससे मेरे पे कीचड़ उछाला था। मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक कहाँ है? आप मेरी बात तो सुनिए, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, रास्ता चलते जानबूझ के नहीं किया होगा, हो जाता। नहीं नहीं नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ, मिस्टेक तो मेरी हो गई है, शादी का न्योता लेकर आया है ना। देखिए गुस्से को भूल जाइए, देखिए ना ऐसे वाकया तो शहर में रोज होते रहते हैं। मुझे क्या मालूम था मैं जिसके घर रिश्ता लेके जा रहा हूँ वो आप निकलेंगे। देखिए गुस्से को भूल जाइए, बैठिए रिश्ते की बात करेंगे। रिश्ता? रिश्ता तेरे खानदान के साथ, तेरे आने वाली सात पुश्तों के साथ मैं कभी नहीं करूंगा। बाहर निकल जाओ बाहर। बाबूजी। नाना जी, अब आप छोटी सी बात को इतना लंबा तूल दे रहे हैं। अरे आपके कौन से हाथ पैर टूटे हैं या भगवान ने करे आपको? मारने का प्लान था उस समय, मुझे मारने का प्लान था। और क्या कहा था मुझे? कीड़ा मकोड़ा, धरती का बोझ, सड़क का भिखारी। आप ही तो मुझे गालियां दे रहे थे ना। बाहर निकलो यहां से। बाबूजी आप बाहर निकल। दीनानाथ जी देखिए मैं आपसे माफी तो मांग चुका हूँ, कहिए तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। देखिए अपने गुस्से की आग में इन बच्चों का घर मत जलाइए।
ये शादी हो जाने दीजिए। मेरी पोती जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, लेकिन मैं उसकी शादी तेरे बेटे से नहीं कराऊंगा। अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाइए, जाइए। और जिंदगी में कभी सड़क पर मिला तो याद रखना, लकड़ी की जगह बंदूक होगी। मुझे पहले ही मालूम था आप काम बिगाड़ कर ही आएंगे। मैंने कोई काम नहीं बिगाड़ा यार, मुझे क्या पता था जिस बुड्ढे से मेरी झड़प होगी वो मीना का दादा निकलेगा। मुझे पता होता तो मैं अपने हाथों से उसका कीचड़ पोंछ देता, अपने मुंह से पोंछ देता। अरे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भले वो मीना का दादा हो या ना हो, कोई गरीब आदमी हो, मगर किसी राह चलते आदमी के मुंह लगने की आपको क्या जरूरत थी? मैं कोई मुंह नहीं लगा, उसने मुझे गाली दी, उल्टा मैंने उससे माफी मांगी। आपने माफी मांगी? हाँ। जरा मुंह दिखाइए। तू मीना से फोन करके पूछ। आपने माफी मांगी? अच्छा नाराज मत होइए ना, मैं मीना से पूछ। मैं कहाँ नाराज होता हूँ। क्या यार ये सुधरे तो वो बिगड़ गए। हेलो। हेलो, एक मिनट जरा मीना को बुला देंगे। कौन बोल रहा है? जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। किसका फोन है? मीना के लिए है। कौन बोल रहा है? जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। मीना से बात करने से पहले मीना के दादाजी से बात करो, बोलो। देखिए दादाजी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बड़ी माफी चाहता हूँ। माफी मांग ले, पैरों में गिर जा, नाक रगड़ ले, तू और तेरा बाप धोबी बन के मेरे कीचड़ वाले कपड़े भी धो डाल, लेकिन ये घर भूल जाओ आप, ये घर भूल जाओ। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिंदगी भर शर्मिंदा रहना और आइंदा यहाँ पे फोन मत करना, रख दे। नहीं मुझे दीजिए। घर में एक बाल्टी भर के कीचड़ रखना, जैसा बाप बेटा कोई भी दिखे डाल देना। ये कम थे जो ये मिल गए? ए, मेरा नाम नहीं लेना तू। जी नहीं, मैं उनकी तारीफ कर रहा था। अरे राम, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। अरे मीना, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जरा धो देना। और मेरे भी दो जोड़ी पड़े हैं, वो भी ले लेना। लेकिन चाची मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? अरे डिग्री तो तूने ले ली, अब क्या तुझे कलेक्टर बनना है? देख घर का काम काज सीखेगी तो अपने घर जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। दादाजी दादाजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अब बाबूजी क्या कहेंगे? अरे भाई तेरी चाची या तेरी दुश्मन थोड़ी ना है जो तेरा बुरा चाहेंगी। पहले भी तो मना किया था बाहर भेजने के लिए, मगर भेज दिया। खूब गुड़ खिलाकर आई थी तू, अब पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है, उसी लड़के से मिलना होगा, घर बैठे बैठे तो मिल नहीं सकती। दादाजी प्लीज मेरी पढ़ाई मत रोकिए, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बहू सही कह रही है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, घर में बैठो जाओ। अब कमरे में बैठे बैठे तेज हुए मत बहाना, बहुत काम पड़ा हुआ है। मेरे तो वैसे ही टांगों में दर्द रहता है, मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो दादाजी, दादाजी क्या है? चिल्लाने का नहीं, क्या है? दादाजी ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कौन सा तीर मार कर आया? नौकर लेकर आया क्या? हाँ दादाजी नौकर लाया हूँ। अरे क्या बात करता है बेटे, कहाँ मिला तुझे, कैसा है वो, पकड़ के तीर लेगा वो? रास्ते में मिल गया था। हाँ। काम मांग रहा था, मैंने बातचीत कर ली, सिर्फ मैंने पैसे की बात नहीं की। अरे क्या बात है, क्या बात है, जा जा जाके बुला सबको, उनके लिए तो साक्षात भगवान आ गए। जा मम्मी डैडी चाचा चाची जल्दी आओ, नौकर आ गया। बाबूजी मैं क्या सुन रहा हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? राजू, राजू नाम है मेरा। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित जी बच्चन जी। अमित बच्चन, उनके यहाँ किसने लगाया तुमको? वो क्या है, किसी ने लगाया नहीं, वो श्री जी के पास शाम को चाय पीने के लिए आए थे। मैंने ऐसा चाय बना के पिलाया ना, मेरे को चुपचाप नीचे लेके गए, बोले 100 रुपए बढ़ा के देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं भी चल दिया। आओ सेल्फिश। लेकिन श्रीदेव के यहाँ किसने लगाया तुम्हें बताओ ना यार? सलमान भाई ने। सलमान को भी जानते थे? हाँ, एक बार ना मैं धर्म जी के साथ शूटिंग कर रहा था ना, तो साइड में जाकर रो रहा था, तो सलमान भाई बोले क्या को रो रहा है? तो मैं बोला क्या बोलने का साहब, इधर तो 50 आदमी है, 100 आदमी खाना बनाना पड़ता है। सच बात। और एक रोटी चल जाना, 3-3 ईमान मिलके इतना मारते हैं, वैसे दिल के सब हीरा है लेकिन भड़क जाए तो कुछ ठीक नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र क्या तुमको किसने लगाया? अक्षय कुमार जी ने। और अक्षय क्या? वो हीरोइन का नाम मैं नहीं बताएगा। बराबर है। अब क्या है कि जमानत देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जमानत देना चाहो तो किसकी दोगे? नहीं नहीं जमानत वमानत में कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। हूं। आप लोगों को रखना है काम पे तो रखिए, वरना माधुरी दीक्षित जी के घर से मेरे को खुल्ला ऑफर है। नहीं 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 यार ऑफर है। मैं इसे जानती हूँ। बहन कैसे जानती है? सुनो
हाँ जी, तुम वही हो ना जो सुभाष जी के यहाँ काम करते थे? कौन सुभाष जी? सुभाष घई, अरे मेरे ससुराल के पड़ोस में रहते थे, तुम वहाँ बर्तन निकालते थे। सुभाष घई जी? याद आया, कभी देखा आते जाते बिल्डिंग में। काम क्यों छोड़ दिया वहाँ? अभी क्या बोलने का, त्रिमूर्ति रिलीज हुई, सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अरे कोई बात हुई? अच्छा ये चिट्ठी छोड़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पर किचन कहाँ है? मुझे चाय नहीं दूध देना। अच्छा और चाय किस किस को देना है? बाकी सबको। बाकी सब कौन कौन और कहाँ कहाँ रहते हैं? ऊपर लेफ्ट वाला चाचा चाची का, राइट वाला मेरा, और मेरे कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। अच्छा, वो सामने दादाजी का और वो पपी चाचा का। अच्छा अच्छा, और कौन कौन रहता है यहाँ पे? शनु वो अभी आजकल यहाँ ही रहती है। ओ, और कौन रहता है? और डिम्बल दीदी। और कौन? और हाँ मीना दीदी। हाँ वो कहाँ आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो मैं आ गया हूँ, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा अभी, बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी करारी खड़क छम छाए ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम्हें ये खादिम सामने खड़ा है, कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ? क्या बोलता रे तू? मैंने मोटर से जा रही थी, उन्हें ऑटो से आ रहा
तो ये करने आए हो तुम यहाँ? नहीं नहीं शन्नो जी, मैं तो ये करने आया था, ये तो हो गया। अच्छा, लेकिन राज तुम नौकर बन के क्यों आए हो? अरे इश्क में लोग तख्तो ताज छोड़ देते हैं, तो क्या राजू अपना बंगला नहीं छोड़ सकता? वैसे मैं ये जानता हूँ कि प्यार मोहब्बत के अंदर मजनू की तरह कपड़े फाड़ कर घूमना आसान है, मगर किसी के घर के कपड़े धोना बड़ा मुश्किल है। राज मियां, खाना हाथों से बनता है, बातों से नहीं। खाना कैसे बनाओगे? बना लूंगा, सबको बना लूंगा। आइए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज, तंदूरी चिकन, चाओ चाओ, मटन पाव पाव, एक साथ एक टेबल पर राजू के हाथ के बनाए हुए खाने का आनंद उठाइए। राजू, हमारा खाना हमारे कमरे में ले आना। राजू, हम लोग भी अपना खाना कमरे में ही खाएंगे। नहीं नहीं दादाजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, इस घर में सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, मगर प्यार से एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? अरे भैया, कमरे में खाएंगे तो आराम से खा सकते हैं। अरे चालर रहा है, मेरे को ऐसे घर में काम नहीं करने का है। अब तो इनके बाप को भी आना पड़ेगा। आओ निकम्मो, टेबल पे आओ। राजू, जब तुमने इतने प्यार से खाना बनाया तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आई 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 आई, सब लोग आई आई। आओ भैया, चलो भैया। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। खाना खा लो, तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो टल जाएगी। खाना खा लो, तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो वो टल जाएगी। हाँ, तेरी सेठानी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बेटा। तीन तीन औलाद दी, लेकिन एक भी तेरे जैसा नहीं दिया। ये देख, देखे भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। मैं देखता हूँ, आराम करो ना। घर में कितना फोन बजता है यार। हाँ हेलो, कौन? राज, मैं बोल रहा हूँ। चाचा जी। अच्छा बेटा, ससुराल पहुंचते बाप को चाचा जी बोलने लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुंडा करीब में है? एकदम एकदम। तू क्या कर रहा है? हाँ एकदम, बगल में पाँव दबा रहा हूँ। पाँव नहीं, उसका गला दबा, बुड्ढा मर जाएगा। नहीं नहीं, मुझको पता है कब क्या दबाने का। क्या क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि घुटना पिटना ठीक से दबा, क्या करने का वैसा। हाँ, क्या करते क्या है चाचा जी? हाँ एक मिनट, क्या करते? चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी, आजकल चोरियां बहुत होती हैं। हाँ, चोरी। हाँ, नहीं इनके राज में नहीं होती है। अच्छा, हाँ लेकिन उनको बोलना कि रात में नहीं, दिन में चौकीदारी करे। आज दिन में ही चौकीदारी। एक मिनट, आप चुप ही हो जाइए। ये दोनों टाइम नहीं करते, इन्होंने अपनी नीचे दो रखे हुए, वो दोनों चौकीदारी करते हैं। हेलो। हाँ अच्छा सुन, तू मेरी बहू कैसी है? एकदम ठीक, एकदम ठीक। क्या उम्र क्या है उनकी? सेवा करूंगा तो मेवा मिलेगा ना, बस वही सटियाने वाली। आप दूसरे पे हंसते तो मुझे बहुत हंसी आती है। एक मिनट। हाँ बोलिए। सुन बेटा, तुझे देखने को बहुत मन कर रहा है, तेरी बहुत याद आ रही है। हाँ मुझे भी। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा अपनी अपनी सेहत का। बाय। अच्छा देखो, एक घंटे से छुटकारा पाया तो दूसरी घंटी बज गई। आ गई होगी ना महारानी, अपने ही घर में साले पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। जा बेटे, खोल दरवाजा। हाँ खोलता हूँ। मैं इसको सुना डालूँ आज? हाँ चलिए आइए। एक बात कहूँ छोटी मालकिन? कहो। ये इतनी रात गए, लड़कियों का इस तरह से घर में आना अच्छा नहीं लगता। How dare you? मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? मेरी डैडी मम्मी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, और तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? She's too much man. ले लो, बढ़िया मीठी कर रहा हो। पप्पी चाचा, कहीं कोई अटकान है क्या? अरे हाँ रे, कहिए तो मैं आपकी कोई मदद करूं। अरे म्यूजिक के बारे में तू क्या जाने बांगड़ू? अरे किशोरदा के पास मैंने 2 साल अरे काम किया है, रे मैंने काम किया है। हाँ, हाँ, अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है, लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? अरे बांगड़ू, अगर ड्यूएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे। मगर ऐसे गाने तो किशोरदा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे। अरे तो कन्या भी तो घर ही में है रे। कौन? मीना। अरे अपनी मीना मैम साहब। अरे हाँ हाँ मीना जी। अरे हाँ हाँ, वो भी चलेंगे भैया। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप तबले पे मेरी संगत दीजिए, मैं बाजा बजाता हूँ। साधु। हाँ साधु साधु। नीचे नीचे।
और तबला उठाइए और प्रणाम कीजिए। नमस्कार दादू। अरे जल्दी यार रे। आइए बैठिए। क्या बात है पापी चाचा? देखिए मीना मैम साहब, मीना जी, मीना मैम साहब, खुली बात है, मैं आपका प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेमिका हो। नहीं, नहीं। समझ लो समझ लो। और मेरा विलन बाप बीच में टांग अड़ा रहा है, यही गाने की सिचुएशन है रे। और मजेदार बात तो ये है कि इस चक्कर के बारे में हमारे बेचारे चाचा को भी कुछ नहीं मालूम, वो खुद तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। है ना? हाँ साथ हो, साथ हो। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। एक से बढ़कर एक है। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हो, हम आहें भरते हैं। तुम आहें भरते हो,
बैंगन सजा रात कैसा दिया? 100 रुपया है? 100 रुपया 100 रुपया बहुत सस्ता है यार। भाई साहब आप दीनानाथ जी के घर पे काम करते हैं ना? जी नमस्कार। एक काम करो, बाहर सड़क में जाओ, बस आएगी उसके नीचे आके मर जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों मरूं? तू मर साले। तू समझा नहीं क्या? तुम अभी काम कर रहे हो ना, पहले मैं वहां काम करता था, 100 किलो का था, अब 50 किलो कर रह गया। शर्म नहीं आती? दीनानाथ जी के परिवार के बारे में ऐसी बातें करते हो? जिनका नमक खाया उनके साथ तो ईमानदारी से रहो। सिर्फ नमक ही खिलाते थे, सुबह नमक सूखी रोटी, दोपहर को नमक सूखी रोटी, रात को नमक सूखी रोटी, सूखी रोटी बनकर रह गया। मक्खी चूस कहीं के लोगों का खून चूसने वाले, भगवान करे उनके घर में वाह 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 हवाई जहाज हाँ गिर जाए, उनके घर में प्लेग फैल जाए, चूहे की मौत मरे साले। मारा मारा। अगर दीनानाथ जी के परिवार के बारे में एक लफ्ज़ और बोला तो एक तुम एक। अरे सुनो भाई, हाँ किस किस को मारोगे तुम? इनका हाल देखा, आप कौन है? देखो भाई मैं भी इसी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। वो कैसे? ए, वो कैसे? मैं शन्नो का पति हूँ। आप शन्नो जी के पति हैं? सुना? अबे ओए हट हट। देखो मेरा नाम सुनील है। हाँ 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 ओहो, अच्छा 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 अच्छा, तो आप ही वो सुनील जी हैं जिनके बारे में सोच सोच के शन्नो जी 3600 आंसू रोती रहती। नहीं वो यही सोच रही होगी कि कब मरे कब मरे कब मरे। नहीं नहीं नहीं, आप उनके आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे वो मेरी मौत में भी आंसू ना बहाए, ऐसी औरत है वो। देखिए मेरे हिसाब से तो आपको बहुत प्यार करती है, कभी कभी खाना नहीं खाती आपका नाम लेके वो, लेकिन मैं नौकर आदमी इतना क्यों बोल रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे सुनो भाई, हाँ सच वो अब भी मुझसे प्यार करती है? देखिए मेरे हिसाब से तो आपको घर आना चाहिए और शन्नो मेम साहब को लेके जाना चाहिए। सुनो क्या नाम है तुम्हारा? मैं राजू। देखो राजू मैंने कसम खाई है कि उनकी चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगा। हाँ तो मत रखना ना, मैं शन्नो मेम साहब को घर के बाहर लेके आऊंगा, आप लेकर चले जाना। सच? मेरे हिसाब से हाँ। शन्नो जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शन्नो जी आज सुनील जी मिले थे। कौन सुनील? सुनील फूफा जी। नाम मतलब उसका मेरे सामने? वो तो आपका नाम लेकर रो रहे थे। वो मेरे मरने पर भी ना रोए। कैसी बात करती है आप, आपको याद कर करके वो देवदास हो गए। पर तू उनको कैसे जानता है? वो पहले यहाँ पर कौन नौकर काम करता था? बाबू। हाँ बाबू, बाबू ने आपके बारे में कोई गलत बात कर दी। हाँ? वो उसको मार रहे थे, कह रहे थे खबरदार जो मेरी शन्नो के बारे में कुछ गलत कहा तो। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है तू? मैं बोल ही क्यों रहा हूँ? नहीं नहीं इधर आ, मुझे पता है राजू तू कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या बोले हो? सुनील। हाँ सुनील जी बेचारे। जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपका नाम लेकर मेरे गले लिपट कर जो रोया है वो आदमी मेरा गमछा गीला कर दिया। पूछ रहे थे कैसी है मेरी शन्नो, उसकी हेल्थ कैसी है। इतना मेरे को लेके रोते हैं तो मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जाते वो? अरे उन्होंने आप ही की तो कसम खाई है कि इस घर की देवड़ी पे कदम नहीं रखेंगे वो। हाँ तो क्या घर के बाहर से नहीं ले जा सकते वो? वही तो, आज उन्होंने आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे झूठ पर बुलाया। और शन्नो जी मैं तो कहता हूँ कि आज हो ही जाए पैजब। जय महाराष्ट्र। शन्नो, 4 दिन मेरे बिना क्या रहे, अकल आ गई ना ठिकाने? मेरी या तुम्हारी? तुम तो इस तरह लड़के गई थी कि सारी जिंदगी बार मेरी शक्ल नहीं देखोगी, और 4 दिन मुझसे दूर क्या रही, मेरी याद में आंसू बहाना शुरू कर दिया तुमने। आंसू बहाए मेरे दुश्मन, किसकी हालत खराब हुई थी जो मुझे यहाँ बुलाया घर ले जाने के लिए? मैंने बुलाया? तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुमने बुलाया? मुझे भगवान के लिए चुप हो जाइए। राजू अच्छा हुआ तुम आ गए, सच सच बता दो किसने किसको बुलाया है? अब किसने किसको बुलाया इस चक्कर में शन्नो जी आप मिलने का मजा क्यों हो रही है? हा? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? देखिए सुनील जी, ऐसा झूठ जो किसी का घर बसा दे वो झूठ झूठ नहीं होता। देखो हा? तुम जैसा 2% का नौकर अब मुझे शिक्षा देगा है? खबरदार जो राजू को नौकर कहा तो लगी। नहीं नहीं आप चालू रही है। पता भी है कौन है? कौन है? सेठ धनराज का इकलौता बेटा राजेश। नमस्कार। नमस्कार। ये और मीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार। लेकिन बाबूजी है ना वो इनकी शादी को राजी नहीं है। नमस्कार। इसलिए बाबूजी का दिल जीतने के लिए ये हमारे घर में नौकर बना हुआ है। नमस्कार। दोस्त तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कैसे? अगर तुम जैसा करोड़पति अपने प्यार को पाने के लिए किसी के घर में नौकर बन सकता है तो क्या मैं अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए उसका घर गृहस्थी में हाथ नहीं बटा सकता? फिर सुनो उस बुढ़ऊ को जाके कह देना कि आज के बाद मेरी बीवी अपने मायके कभी नहीं जाएगी। चलो शन्नो। अरे सुन लीजिए एक मिनट। हाँ मेरी तरफ से लौकी लेके जाइए, मिल बांट के बनाइएगा और प्यार से खाइएगा। मनु तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? राजू भैया आपके चाचा आए आपसे मिलने। मेरे चाचा? ये कब पैदा हो गए? दादाजी से बात कर रहे हैं। दादाजी मिलो। अच्छा राजू आ गया, तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या हाल है बेटा? चाचा जी। अरे कैसन है बेटा? अरे चाचा जी
ये इतनी सफेदी कपड़े धोने के साबुन से नहा लिए क्या? अरे नहीं बेटा, तुरे गम में सारी सफेदी आई गई है। चाचा जी, तुम्हारा भतीजा हर काम में परफेक्ट है, यूं समझ लीजिए सबका दिल जीत लिया है। हाँ साहब, दिल ही जीतने के लिए तो यहाँ आए हैं। क्या कहा? नहीं, वो नौकर का काम है ना कि मालिक का दिल जीत ले, उसका धर्म है ना। अरे ये हमारे घर का हीरो है, हीरो दुबई का हीरो है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने चाचा जी के साथ बाहर हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ घर के बाहर। आइए चाचा, नमस्ते। लाइए हमको दे। अरे देर है। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा। सलाम साहब, मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाए तेरे हाथ का खाना? मैं नहीं खाया। कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे भैया खाने। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। हा? अच्छा ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकड़ में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़िया पाई है ने? और पाई नहीं है तो पवा देंगे। अरे बेटा ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर है, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की उसकी धन की कदर होती है। अच्छा चलिए बात छोड़। ये बेटा ये वॉचमैन और ये नौकर का नाटक कब तक चलता रहेगा? अरे डैड क्या बताऊं, मुझे खुद ये ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे, बचाओ। डैड ये तो अपनी डिंपल है। छोड़ो मुझे, बचाओ। छोड़ो, छोड़ो, बचाओ। अब एक मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। किधर भैया, किधर? अरे ठहरो भैया ठहरो, आप लोग इस लड़की को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप इन्हें छोड़ दो। ए, चल फूट यहाँ से। ना भैया ना, मालूम है गांधी जी ने क्या कहा? हिंसा महा पाप है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। यस यू आर राइट, अगर आप लोग इस लड़की को छोड़ दोगे तो मैं आपको अपना दूसरा गाल भी पेश करूंगा। चल चल जाके आराम कर। कैसे आराम करूं भैया, मालूम है नेहरू चाचा ने क्या कहा है? आराम हराम है। ए, लगता है इस साले का इलाज करना ही पड़ेगा। मालूम है शेक्सपियर ने क्या कहा है? शेक्सपियर ने कहा है कि औरत एक खूबसूरत फूल की तरह होती है जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है मगर उसे कुचला या मसला नहीं जा सकता। ये तो अपना अपना स्टाइल है, तुमको सूंघने का मजा आता है और अपन को कुचलना और मसलना। क्या बहुत हो गया भैया, अब मैं आप लोगों को एक और महापुरुष की वाणी सुनाता हूं। आप लोगों को मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था कि आप लोग मुझे खून दो, मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। और मैं अब आप लोगों से यह कहता हूं कि आप लोग मुझे अपना खून दो तो मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। अबे का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन शाम को रात को नहीं। I'm sorry. You must be. राजू भैया आप? Yes, आप। इस बारे में घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके नाउ कम ऑन फॉलो मी। अरे तू किचन में क्या कर रही है? देखो राजू भैया, दादाजी के लिए नाश्ता मैंने बनाया है। अरे वाह अरे वाह। अरे राजू मेरा नाश्ता। हाँ हाँ अभी लाया। जा तू देख। मैं? हाँ देख, फिर देख तू।
जी नाश्ता। क्या बात है, तू नाश्ता लेकर आई है? हाँ दादाजी, ये मैंने बनाया है। क्या बात करते हैं? अरे वाह वाह वाह, मेरा तो ये सुनकर ही पेट भर गया, अब इसे खाने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह बेटे वाह वाह वाह, बहुत खुश हुआ। क्या, क्या, क्या। ये साला राजू नौकर है या पुलिस वाला है? सबके सब सीधे हो गए, समझ में नहीं आया। बाबूजी आप हाथ मार के क्यों नहीं चलते? कैसे? ऐसे, इससे हार्ट मजबूत होता है, ऐसे टांग मारने से दिमाग मजबूत होता है। हाथ तो ठीक है बेटे, पैर बहुत दर्द करते हैं। वो तो मैं पांव दबा के निकाल डालूंगा आपका दर्द। अच्छा, ऐसे हाथ मारने से हार्ट मजबूत होता है और पांव चलाने से दिमाग मजबूत होता है। वैसे भी वॉक करने से सब कुछ मजबूत होता है। काश मेरी बीवी जिंदा होती। मैं दोनों को वॉक करा था, सुबह आपको शाम को उनको। सर आपने बताया ना कि कपूर एंड कपूर कंपनी का क्या करना है सर? अरे कपूर को बाहर गोली यार, छोड़ो उसको। दूर कपूर इज दूर। और सर वो शर्मा शर्मा का। वाह बाबूजी वाह, क्या चल रहे हैं आप? वो शर्मा नहीं बेशर्मा है सर, बेशर्मा नहीं बेशर्म होता है। चुप। वाह पकड़ पकड़, मुझे उस बुड्ढे को पकड़। किसको? उसने मुझ पे कीचड़ उछाला था, उसको पकड़। अबे ओ बुड्ढे घुसड़। एक काम कर, कहीं से कुत्ता लेकर आ किसी का। क्यों? किसी का कुत्ता लेकर आ, उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा जा। आप क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना आपका कुत्ता। आप एक बार मुझे छू तो बोलो। छू राजू छू। अब देखो कैसे काटता हूं। तमीज से बात कर नहीं तो। देखिए सर, देखिए आप मेरे बाप है। हा? मेरा मतलब है कि बाप की तरह है। अरे बाप बाप क्या बोलता है, ये तो पाप है, मिटा दे इसको। अबे साला तू पाप किसको बोलता है, फाट डालूंगा फकीर के कुर्ते की तरह। आप बहुत इनके साथ लेवल गिरा के बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात। अरे लुटिया खोर के साथ इज्जत से क्या बात करते तू, पीट में पीट। अरे ये क्या देगा, इससे क्या बोलता है, ये तो मेरा बेटा है। क्या बोला? नहीं मेरे बेटे जैसा है, तू मेरे से बात करना बे। एक नाक का नाक पड़ा बना। देखिए मैं जितना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग उतना बिगाड़ते ही जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे तीन गिनने से पहले अगर आप यहाँ से भागे नहीं ना। अरे जा, तो मैं भाग जाऊंगा। मैं तीन गिनूंगा, एक दो टू सवा दो टू फिफ्टी। क्या है सर? चलो सर, दिमाग खराब है तेरा? सर वो घर से भाग जाएगा। अढ़ाई टू थर्टी। ठीक है जा रहा हूँ, मगर तेरे को देखूंगा। पौने तीन में ही भाग गया। क्या सबक सिखाया बेटा तुमने। वाह, ए पौने तीन, पौने तीन, ए पौने तीन। इश्क में लोग फना हो गए होंगे, मगर आज तक किसी ने कुत्ता बनके अपने बाप को नहीं काटा होगा। लानत है राजू। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। आई लव यू मीना। I'm gonna make you mine.
ए राजू उठ। अरे उठना। पर मैं माफ करना बड़ी मालकिन, ससुरी आंख लग गई थी। अच्छा आंख लग गई, अब आंख खोलो और जल्दी से घर की सफाई करो और अच्छा सा नाश्ता बनाओ। मीना को देखने लड़के वाले आ रहे। Man, every day there is a new problem here. मीना के माँ बाप का साया भले ही उसके सर से उड़ गया हो, लेकिन हमने कभी मीना को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। डिंपल से ज्यादा प्यारी है मुझे मेरी मीना। सच कहती हूँ, अगर मीना इस घर से चली गई ना, तो इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ मेरी भतीजी में इतने गुण हैं, जैसे कि भगवान ने उसे राग भैरवी में डुबो कर, उसके बाद राग पहाड़ी में भिगो कर, बाद में इस आनंद निवास में भेजा है। वाकई मजाक नहीं कर रहा मैं। अरे छोटी मालकिन की तारीफ में तो शब्द भी कम पड़ जाए। भगवान की गाय है, लक्ष्मी का रूप है, अंधेरे घर में भी जाएगी ना तो अपने कर्मों से घर में रोशनी ही रोशनी कर देगी। लीजिए साहब, पहले माता पिता फिर बेटा। थैंक यू। भाई वाह, समोसों का तो जवाब ही नहीं। मेरा ख्याल है मीना ने बनाए होंगे। नहीं जी, ये भी राजू ने ही बनाए हैं। अच्छा लीजिए मैम साहब। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। जी मैं बनाने में बहुत ही उस्ताद हूं। मारो, मीना से कहो चाय लेकर आए। अरे मीना मैम साहब चाय क्यों लेके आएंगे, मैं चाय लेके आता हूं ना। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे ये क्या कर रहा है, चाय मीना लेकर जाएगी। अरे उनको तकलीफ क्यों दे रही है, मैं ले जाता हूँ। अजीब बेवकूफ आदमी है, तुझे समझ में नहीं आता। समझा कर राजू, तुम चाय लेकर आओ। जी अच्छा, क्या लग रही है यार। ए सुन, चल जा। ए सुन, चल जा। ए सुन, हंस के आ। हमें लड़की बहुत पसंद है भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन दहेज के बदले में हमें आपका ये नौकर राजू चाहिए। देखिए बहन जी, मेरे पास तीन लड़के हैं, इनमें से आप किसी को भी लेकर जाइए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन राजू नहीं। नहीं बाबूजी, नहीं 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 नहीं। मीना जी ये क्या कर दिया आपने। ओके माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, वॉश बेसिन लेकर जाओ। वॉश बेसिन लेकर जाओ। चलिए बाद में चाय पिलाना। वो गिर गया। आइए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखिए वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है, आप नहीं जानते वो मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहा है। अगर मैं उसे ना मिली तो वो मर जाएगा, और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए शादी से इनकार कर दीजिए, प्लीज प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। ओके ओके। देखिए आप मुझे बहुत पसंद है, मगर जो बात आपने प्यार से बोली लग गई, लेकिन जिसको भी आप चाहती हैं वो तारीफ के काबिल होगा। हंसिए, स्माइल प्लीज। नमस्ते। तारीफ के काबिल वो तो मैं हुई। लेट हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर विद्यानाथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए आप जी, पूरे 20 मिनट लेट हैं आप। क्या करूं सर, बहुत दूर रहता हूं, दो दो बसें बदलनी पड़ती है, इसलिए लेट हो गया। ये लो, अब तुम्हें दो दो बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाओ। ये क्या है सर। ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने तो तुमको सिर्फ ट्रांसफर किया है, अगर मैं इस कॉलेज का मालिक होता ना तो तुमको कब से निकाल दिया होता। सर आहिस्ता बोलिए सर, स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेरी क्या छाप पड़ेगी सर। क्या छाप पड़ेगी, अगर तुमको इसकी इतनी भी परवाह होती तो तुम हमेशा टाइम पर आते। आई एम सॉरी सर, प्लीज मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज। हरगिज नहीं, अगर ये किसी भी तरह रुकने वाला भी होगा तो मैं इसे रुकने नहीं दूंगा। सपने दिक्कत छोड़ दो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। ट्रांसफर हो गया कोल्हापुर। अरे ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे तो यहाँ के झंझटों से दूर रहेंगे। जब भी मुंह खोलती हो तो बकवास करती हो, वहाँ जाएंगे तो जीवन भैया ये बंगला अपने नाम पे करवा लेंगे। अरे वो सब छोड़िए और नरम नरम बड़े के साथ गरम गरम चाय पीजिए। छोड़िए भैया, मुझे कुछ नहीं पीना। मेरी आराम से खाइए पिए, आपके ट्रांसफर जो है वो मैं रुकवा दूंगा। ट्रांसफर रुकवा दूंगा कैसे। 200 रुपए आपके पास। क्यों आप सवाल बहुत पूछते हैं। दे दो ना।
एक काली मुर्गी, चार नींबू, सिंदूर, कपास का पुतला, चील का पर, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर एक मरे हुए ताजे मुर्गे की खोपड़ी के ऊपर रख कर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, ट्रांसफर रुक जाएगा। मुर्गे के खोपड़े पर ये मंत्र तंत्र भैया तुमने कहाँ से सीखा? अब क्या बताऊं चाचा जी, रात को 2 बजे भारत से निकाला गया। भारत से? मनोज कुमार जी के घर से। वहाँ पर भी 6 महीने नौकरी की थी मैंने। अच्छा। अब रात को सर छुपाने की जगह नहीं थी, जाता तो कहाँ जाता, शमशान चला गया। 6 महीने वहाँ पर तांत्रिक विशंबरनाथ जी की सेवा की और उनसे तंत्र सीखा। जान लेना, जान देना, कान, आंख, नाक, पैर, अकड़न, जकड़न, जकड़ बांबू, जकड़ तिंगड़ू, सब कुछ कर सकता हूँ। एक फूंक में किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुनिए जी, इसका जरा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा अपने पास। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 6 महीने से एक आदमी का बीमा नहीं कर पाया हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हफ्ते भर में किसी का बीमा नहीं किया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे अरे जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए। एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए। बैठिए। क्या लाइन है राजा। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। अब देखो, अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? राजू मेरी बात तो सुनो। शनि भारी है, सुबह शाम बजरंगबली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। हाँ। और इसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा और ब्रह्मचारी का पालन भी करना पड़ेगा। ए राजू, दो हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है, लेकिन हफ्ता भर? हाँ वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है। मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं। हाय ब्रदर्स, अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामा खा की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवाज बिठवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। ये इतनी सारी भाजी क्या बेचने निकला है? क्या बताओ डैड, जीवन चाचा को भिंडी की भाजी पसंद है, पप्पी चाचा को दूधी की भाजी, मीना के लिए मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा और बाबूजी के लिए मसाले वाले बैगन। टिंग टोंग। अबे और टिंग टोंग, उस बुड्ढे का यहाँ नाम लेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। डैड मैंने उनका नमक खाया है। मेरी क्या हवा खाई है तूने? अब आपके नमक में वो नमक कहाँ? हाँ जी, हमारे नमक में वो नमक कहाँ? डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए किसी भी तरह से विद्या चाचा का ट्रांसफर रुकवा दे। अरे नहीं नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे इसको पकड़िए, आप फॉलो मी। डैड आई मीन हरी, आई एम गोइंग। ओके कंजूस, एक गाजर। अरे हाँ, आप लोगों ने एलआईसी पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो एलआईसी एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर शर्मा जी, गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अरे विद्यानाथ जी, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सर क्यों घर पे आया था, कहा के सामने ट्रांसफर ऑर्डर के साथ बुलाया। अब क्या बात है सर? अरे सर को मारो गोली, ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। सर कोल्हापुर का ट्रांसफर? कोल्हापुर आपको कौन जाने देगा, आप तो इस कॉलेज की शान है, इस कॉलेज की नाक है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, ये क्या हो रहा है भगवान? भगवान का चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तुम्हारा है। मेरा? तुमने कभी बताया नहीं कि शिक्षा मंत्री के साथ तुम्हारे घरेलू रिलेशन है? शिक्षा मंत्री घरेलू रिलेशन? हाँ, वो खुद यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए थे। सलाम साहब। सलाम। शिंदे इतनी लाइन क्यों लगी है? ये सब लोग जीवन बीमा कराने आए हैं। अरे शिंदे, इनसे कह दो कि 2-4 आदमी मुझसे भी बीमा करा ले। लेकिन जीवन बाबू, ये सारे लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की जिद है कि जीवन बीमा कराएंगे तो जीवन बाबू जी से ही कराएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबू, आप शुरू हो जाइए, मैं एक एक करके अंदर भेजता हूँ। लगता है राजू का टोटका काम कर गया। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। भैया वाह।
थैंक यू जी, थैंक यू। ये धुन कब बनाई? जी बस समझ लीजिए कि अभी अभी आते आते रास्ते में बनाई। कैसी लगी सर आपको? ठीक है ना? अरे भैया बोल किसने लिखे हैं? बोल तो मेरे ही है सर, लेकिन आप किसी भी गीतकार का नाम दे दीजिएगा, मैं तो यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ। अरे भाई तुम संगीतकार तो अच्छे हो ही जी, आदमी भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। ये रहा तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। अरे भैया अगली सीटिंग कब रखोगे? अब देखिए ना, कल ये चेक मैं बैंक में डालूंगा, परसों कैश हो जाएगा, तरसों सेक्रेटरी रखूंगा। हाँ। आप उससे बात कीजिएगा। अरे ए, क्या कर रहे हो? हाय क्या बताऊं तुम्हें, देखकर कहां कहां छुरियां चलती हैं। आओ साथ में मिलके काम करते हैं। आओ छोड़ो मुझे, कोई आके देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, इस घर की औरतें भी इस किचन में नहीं आती। राजू भैया क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, तुम्हारी आंटी को भाजी काटना सिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ते और ऐसे काटते हैं। जितने प्यार से सिखा रहे हो, कभी इतने प्यार से हमें खिला भी दिया करो। मत बेटा, एक दिन तो जरूर खाएगा। अरे वाह क्या बात है भाई, बड़ी खुशबुएं आ रही है। कोई दावत आवत है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी दावत के बगैर भी अच्छा खाना खा लेना चाहिए छोटी मालकिन। हाँ वो तो खाना चाहिए, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास बात है? बात तो खास है छोटी मालकिन, पता नहीं सवेरे से मेरे दिल में बार बार ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि आज इस घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। लक्ष्मी। अरे अरे क्या हो गया बेटा? कमाल हो गया, मेरा ट्रांसफर रुक गया। राजू यार तेरी जबान कमाल की है, मेरा ट्रांसफर रुक गया। जानते हो शिक्षा मंत्री ने खुद आकर मेरा ट्रांसफर रोक दिया। सोचो सोचो मेरी रेप्यूटेशन। जानता हूँ तेरी रेप्यूटेशन, पिछले साल तेरे क्लास में 90% लड़के फेल हुए थे। मैं तो तेरे ट्रांसफर किया नौकरी से निकाल देता। रेप्यूटेशन कहीं संभाल लेना। अरे चमक गई, चमक गई। क्या 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 चमक गई? बाबूजी मेरी किस्मत चमक गई। हा? आज मैंने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया है। क्या नहीं 80 लाख। बीमा कंपनी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि किसी ने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया हो। अरे चलिए चलिए। भगवान देखा साले कितने कंजूस हैं। ये भी नहीं सोचा कि घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर जाए। इनकी माँ अगर जिंदा होती तो फिर से मर जाती। देखा तुमने, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। मेरा ट्रांसफर हो गया है और बाबूजी ऊपर से ताने मार रहे हैं। तुमने ये नहीं देखा तुम्हारे छोटे भाई जीवन ने बीमे क्या कर लिए इतने? सब लोग खुशी से पागल हो रहे, हमारी खुशी से जलते सब। गलत बोल रही है आप चाची जी। आप लोग जानते हैं आपका ट्रांसफर किसकी वजह से रुका है? किसकी वजह से? जीवन बाबू की वजह से। जीवन का मेरी ट्रांसफर से क्या लेना देना? पता नहीं, मगर मैंने उनको एक बड़े आदमी से फोन पे बात करते हुए सुना कि मेरे बड़े भाई साहब बड़े परेशान हैं, किसी भी तरह से उनका ट्रांसफर रुका दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। छोटे भाई का बड़े भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो ये मिठाई मैं छुपा कर लाया हूँ, मिठाई नीचे खोलता तो नीचे चट हो जाती। बिल्कुल ठीक किया आपने अजी, अब तो आप लखपति बन गए हैं। और तुम लखपत्नी। इस मिठाई के पहले हकदार विद्या बाबू हैं जीवन बाबू, जाइए जाकर पहले उनको मिठाई खिलाइए। क्या हमें उनसे क्या मतलब? आपको उनसे क्या मतलब? मैंने अपने कानों से उनको एक बड़े आदमी से फोन पे ये कहते हुए सुना कि अपने तमाम वर्करों से कहो कि मेरे छोटे भाई के हाथों से बीमा करवा ले वरना उसकी नौकरी चली जाएगी, और आप कहते हैं कि आपको उनसे क्या मतलब? राजू तुम सच कह रहे हो? छोटी मालकिन, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो मैं नहीं रोक सकता, मेरे तो आंसू। बड़े भाई आप जीवन, नहीं मुझे ये मिठाई, मिठाई तू आप लीजिए भाई साहब। पहले तू आप लीजिए। अब बाबूजी मुंह मीठा कर लीजिए। मुझे डायबिटीज है। कम ऑन डैड। बाबूजी थोड़ा सा मेरे एकदम छोटा। खिला खिला के मारने का प्लान तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव बड़ी गजब की न्यूज लाया हूँ मैं। अरे सर संभाल के, चोट लग गई तो न्यूज रह जाएगी। अरे गुरुदेव मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, आपका कंपोज किया हुआ ड्यूएट सॉन्ग मैंने केतन देसाई को सुनाया तो उसने क्या किया पता है? मुझे गले लगा लिया। केतन से? आपको? अरे दिस इज द रियल गुड न्यूज। ये केतन देसाई कौन है? बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है आज भगवान ने सारी खुशी आनंद निवास में भेज दी है। वाह यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुम
के दिखाओ। वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी। हाउ स्वीट। आप एक काम कीजिए, आगे की तरफ से आइए, मैं मेन डोर खोलता हूँ। अच्छा। कम 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 डैड। क्या डैड, इतनी रात को आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? बेटा, तू भूल सकता है बेटा, मेरे एक बाप अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? Oh my God, it's my birthday. प्रणाम डैड। आज 14 अगस्त है, रात ठीक 12:01 पे तू पैदा हुआ था। देख, मैं तेरे लिए केक भी लाया हूँ, ले। बाजी काटने की छुरी लाऊं? नहीं नहीं नहीं, उंगली से काट, उंगली काट, कट कर सारा आया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओए, मेरा बच्चा भी खाएगा ये।
मेरे बेटों के साथ रह रहे के राजू की भी आदत बिगड़ गई, दरवाजा बंद करना भूल गया। रात को ताला मारने को उठो, सुबह चाबी देने को उठो, तीन तीन बेटों के होते हुए मैं गुरखा बन गया, क्या जिंदगी है। अरे बुड्ढा, ताला लगा के चाबी साथ मिलेगी, अब क्या होगा? जब सुबह दूध वाले भैया जी आएंगे तब आप यहाँ से जाएंगे, तब तक आप मेरा बर्थडे मनाएंगे। हाउ इज द आइडिया? क्यों? लगता है बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज के पीछे छुप जाइए, मैं जरा देखूं प्रॉब्लम क्या है। आप छुप जाइए। जीवन विद्या, अरे कहाँ गए साले कमीने? चोर बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? कोई तिजोरी को झाड़ू लगा कर गया, मैं लूट गया। हाय हाय, कौन कौन? चोर तिजोरी लूट गया, सारा माल साफ कर गया। आपको किसी में शक है? बाबूजी ने हमारे हिस्से के जेवर हमें दे दिए होते तो वो तो बच जाते। और नहीं तो क्या, उस दिन शादी से लौटने के बाद अगर मैं जेवर बाबूजी को नहीं देती, कम से कम वो तो बच जाते। अरे चुप करो, तुम सब कितने स्वार्थी हो, सब अपनी अपनी रो रहे हो, कोई क्या के पुलिस को तो बुलाओ। ए भाई, हाँ तूने कोई पुलिस वाले के वहाँ नौकरी नहीं की है? हाँ की है ना मैंने, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को मत बुलाइए, पुलिस के व्यवहार तो इतना खतरनाक है कि घर के लोगों को भी पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो मारने दो, माल चाहिए मुझे बस। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप, माल के लिए आप बच्चों को पिटवा देंगे? अरे मरने दो सालों को, अच्छा मौका है यार, बुला ले। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए सब क्या हो गया, मेरी बरसों की मेहनत, मेरे बाप दादाओं की कमाई, खानदानी जेवर सब पे झाड़ू फेर के चला गया। घबराइए मत, पहले ये बताइए आपको किस पर शक है? अरे ये सब तो घर वाले मेरे, मुझे किस पे शक हो सकता है? ये मेरा वफादार नौकर है, मैं अपनी औलाद पे शक कर सकता हूँ, इस पर नहीं, अब बेफिक्र रहिए। लेकिन शक्ल से तो नौकर नहीं लगता, खानदानी हो ना? बोलते बहुत हो, सबको आ गए, मुंहजोर भी हो। एक गिलास पानी पिलाओ। एक गिलास पानी मैं ले आती हूँ। आइए बैठिए बैठिए। चोर है वहाँ पर। कहाँ कहाँ है चोर? हमारे के पीछे किचन में। किचन में? एक मिनट मैं देखूं। तुम यही रुको, तू मत जा बेटे, उसके हाथ में छुरा बुरा होगा। नेल कटर भी नहीं होगा। ओए होए, राजू का चाचा, आप बात समझ में आई? ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर घर में चोरियां करते हैं। देखा बाबूजी, देखा, अपनों को छोड़कर गैरों पर ऐतबार करने का नतीजा देखा आपने? बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए में काम करने वाला नौकर मिल सकता है क्या? अरे इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन बाबूजी के सामने कौन बोले। चाचा जी, ये लोग कुछ ज्यादा ही लेवल गिरा के बात कर रहे हैं, इससे पहले कि आपका कुछ और ज्यादा कचरा हो, बेहतर है कि हम लोग यहाँ से खिसक ले। रुक! हमारे प्यार, हमारे विश्वास का तुमने ये सिला दिया, ले जाओ दोनों को। चलो आइए। रुक जाइए, बहुत हो गया, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मीना, किस मिट्टी के बने हो तुम, ये सब हमारे प्यार को नहीं समझ सकते। तू पागल हो गई? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल बना दिया है मुझे आपके खोखले आदर्शों ने, आपकी झूठी शान ने, आपकी जिद ने। जिसे आप चोर समझ रहे हैं, जानते हैं ये कौन है? नहीं बेटा नहीं। मुझे कहने दीजिए, ये सेठ धनराज है और ये है उनका बेटा राजेश, जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप ही की जिद के वजह से राजेश, जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगती है, आज हमारे ही घर में नौकर बनकर रह रहा है। क्यों? सिर्फ मेरे प्यार के लिए, आपका और मेरे घर वालों का दिल जीतने के लिए। अगर ये चाहता तो मुझे यहाँ से कब का भगा कर ले जा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया दादाजी, नहीं किया।
आप जिसे बुरा समझ रहे बड़े चाचा, आपका ट्रांसफर इन्होंने ही रुकवाया। और जीवन चाचा, आप उस दिन आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी आपको राजेश ने ही दी। इन्होंने अपने ऑफिस के आदमियों को पैसे देकर आपसे बीमा करवाया। पूछिए डिंपल से, इसकी इज्जत गुंडों से किसने बचाई? अगर राजू वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज डिंपल जिंदा न होती। बस बस बेटा, और कुछ मत बोल। दीनानाथ जी, अगर अनजाने मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मत हाथ जोड़िए डैड, बहुत हाथ पांव जोड़ लिए आपने मेरे लिए। कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना किया है आपने मेरे लिए। अब बस आके बहुत प्यार मिला आप लोगों के परिवार में। गलती से कभी खाना वाना खराब बनाया हो तो माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ काफी लोग प्यार करते हैं मुझे, बल्कि सभी ये भी करते हैं, खामा खा नाटक कर रहे हैं, मगर मेरे और मीना के प्यार को लेकर ये इतना छींचा लेदर इस घर में अच्छा नहीं लगता। चलिए डैड चलते हैं। शार्प 7 o'clock आल गेट अप, 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 9 o'clock ऑफिस। आई लव यू, लेट्स मूव। सात बज चुके हैं। तो क्या करता है, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। क्या देख रहे थे आप? तेरी और मीना की शादी हो चुकी है, मैं दादा बन चुका हूँ, 12 पोते पोती हैं, घर में नाच रहे हैं, मेरे गोद में खेल रहे हैं। सपने में ना, जब आँख खुली तो क्या था, आप और मैं, बस यही हकीकत है। 7 बज चुके, 8 बजे नाश्ते में मिलेंगे और 9 बजे बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा। उठिए। यस डैड। Sorry. You're five minutes late, man. No, I don't like this. In future, it will not be repeated. Okay, you're forgiven. You can sit. Yes. Yeah, इसे क्या देख रहे हैं आप? मैं जानता हूँ कि तू अभी भी अंदर से दुखी है। अंदर से मतलब कहाँ से? आतड़ी से के फेफड़े से? दिल से। तू बोल तो मैं दीनानाथ जी से हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं उस खड़ूस बुड्ढे के पास जाने की आपको। हाँ नहीं, आप क्यों जाएंगे? एक बात बताइए राइट, मीना से मेरा रिश्ता क्या है? कल तक अनजान थी, बाद में प्यार हुआ, आज फिर अनजान हो गई। ये दुनिया में तो चलता ही रहता है, मिलना बिछड़ना सब कुछ। मगर आप तो मेरे बाप हो, मेरी माँ हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। अब आप बताइए, एक लड़की के लिए इतने सारे लोगों को कोई छोड़ता है क्या? अब आप अगर गाड़ी में बैठे ना तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। बैठते है कि नहीं? चल 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 मेरे डैडी। डैड, तू क्या बुड्ढे को रख के? नहीं नहीं, मैं तो आपका दिल रखने के लिए पूछ रहा था। अच्छा, तो मैं दूर रख के? आप लोग हम उम्र है, जो करना है करिए। अच्छी बात, मुझे क्या? देख अभी। सर, एक दिन मैंने आप पे कीचड़ उड़ाया था, आज आपने मेरे चेहरे पे कीचड़ उड़ा दिया। हिसाब बराबर हो गया सर। एक हिसाब बाकी है। ए राजू, इधर। ये हो गया हिसाब बराबर। हाँ शुक्रिया। ए पागल है क्या? आजा। अरे क्या मिला? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ।
नौकर के साथ शादी, वाह! अगर कल रात मैंने चोरी नहीं की होती, नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो ये छोकरी मुझे मिलती थी। वो दोनों बुड्ढे वहाँ हैं। अरे वहाँ है, वहाँ है। अरे राजू, मैंने कहती थी हमारा राजू खानदानी लड़का है। अरे मुझे तो पहले से पता था कि इन दोनों के बीच में लफड़ा चल रहा है। अरे आपको पता करने का वक्त ही कहा था, वो तो मैंने कहा था। अरे छोड़ो भी, इन दोनों का तो मुझे हर राज मालूम था। ये ही है राइट चॉइस बेबी। सर,